सकते हैं। हथियार नंबर वन, ताजा पत्ता गोभी का रस। ताजा पत्ता गोभी का रस अगर आप सुबह नाश्ते में या भोजन में कभी भी लेते हैं तो इससे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ने ये साबित किया है कि ताजा पत्ता गोभी का रस शुगर व कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने से रोकता है, और साथ ही इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको कैंसर से भी बचाते हैं। हथियार नंबर दो, खाने के पहले गाजर ले। एक कप गाजर में केवल 50 कैलोरी होती है। अगर आप गाजर लेते हैं तो आपको भूख कम लगेगी, यह आपके सैटिएटी लेवल को भी मेंटेन करेगा और यह एंटी कैंसरस भी होते हैं। हथियार नंबर तीन, गुक्कुल गोंद। इसे एक प्रकार का लासा भी कहते हैं जो कि पेड़ों के तने में चिपका हुआ रहता है। यह बाजार में मिल रही उन दवाइयों में से एक है जो न केवल आपके मोटापे को कम करता है बल्कि यह एक्जिमा, सोरियासिस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और शुगर को भी कम करता है। इसे लेना कैसे है? इसे आप गुनगुने पानी में घोल ले व सुबह शाम इसे दो बार ले। हथियार नंबर चार, गेहूं की जगह चने या जौ के आटे का इस्तेमाल करें। चने में भरपूर मात्रा में फाइबर कंटेंट होते हैं और यह हमारे शरीर में पानी को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे आपका पेट अधिक देर तक भरा रहेगा, आपको भूख कम लगेगी, आप खाना कम खाएंगे और साथ ही इसमें जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं जो कि आपको मिलेगा। चने में हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा। यदि आप 10 किलो चना ले रहे हैं तो आप 2 किलो उसमें जौ का आटा मिलाएं। अगर आपको मोटापे को दूर करना है तो चने और जौ के आटे की बनी रोटी ही खाएं। हथियार नंबर 5, सोयाबीन। सोयाबीन में लेसिथिन नाम का रसायन होता है जिसे अपने चारों ओर फैट का रहना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप अपने खाने में सोयाबीन शामिल करते हैं तो जरूर आप मोटापे को मात दे सकते हैं। इसे आप हफ्ते में 3-4 बार भी ले सकते हैं या रोजाना भी ले सकते हैं थोड़े अमाउंट में। इसे आप उपमा, भुर्जी के साथ या चावल के साथ भी ले सकते हैं। हथियार नंबर 6, हल्दी या अदरक शहद का पानी। इसमें कर्क्यूमिन नाम का एक रसायन मौजूद होता है जो कि शरीर में बहुत जल्दी घुल जाता है, और इसकी एक खासियत होती है कि ये जितने फैट टिश्यूज होते हैं उसको भी यह खत्म करता है, शरीर में बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए अगर आप दिन में एक बार भी अगर हल्दी या अदरक का पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। हथियार नंबर 7, चपाती के साथ पुदीना की चटनी। नाश्ते में या हैवी मील लेते समय आप चपाती के साथ पुदीना की चटनी जरूर ले। इससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा और साथ ही यह पेट को भी ठंडा रखेगा, जो कि बहुत जरूरी है। हथियार नंबर 8, लेमन और हनी का पानी। लोगों का मानना है कि लेमन एसिडिक होता है, जबकि यह पूरा सच नहीं है। लेमन तब एसिडिक होता है जब तक ये शरीर में घुलता नहीं है और यह फैट को घोलने में मदद करती है, इसीलिए लेमन और हनी का वाटर लेना बहुत ही अच्छा होता है फैट के लिए। हथियार नंबर 9, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सारे हथियारों के बराबर होता है, वो है पेट की सिकाई। क्योंकि मोटापे की शुरुआत तो पेट से ही होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको करना ये है कि एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी अजवाइन और एक चम्मच नमक डालिए और उसे उबलने के लिए रख दें। उसी पानी से आपको सूती के कपड़े से पेट की सिकाई करनी है रोज सुबह, और चाहो तो आप शाम में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बस कुछ ही दिनों में आपको पेट के आकार में अंतर दिखाई देगा। हथियार नंबर 10, उपवास। मोटापा घटाने के लिए हफ्ते में एक दिन उपवास तो बनता ही है, और साथ ही उपवास के बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपको मिलेंगे। उपवास का मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है। आप चाहे तो जूस पे, वाटर पे या फ्रूट पे भी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन उपवास के एक दिन पहले क्या लेना है और एक दिन बाद क्या लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मोटापे के लिए। अगर आप उपवास करते हैं तो उपवास के एक दिन पहले लाइट डाइट पे रहना है, या तो आप लिक्विड डाइट पे भी रह सकते हैं, लाइट डाइट पे भी रह सकते हैं, जैसे फ्रूट, खिचड़ी, दलिया। जिस दिन उपवास करते हैं तो उस दिन केवल उसी चीज पे उपवास रखिए जिस दिन जो भी चीज का उपवास आप कर रहे हैं। अगर आप फ्रूट पे कर रहे हैं तो केवल दिन भर फ्रूट लेना है 3-4 बार। अगर ज्यादा वीकनेस है तो फ्रूट लेना है, अगर आपको वीकनेस नहीं है तो आप केवल एक बार या दो बार ही फल लेना। उपवास के एक दिन बाद आप बिल्कुल लाइट डाइट पे तोड़ेंगे, जैसे लिक्विड डाइट हो गई, जूस हो गया किसी भी टाइप का, या फ्रूट हो गया। ऐसा करने से आप मोटापे को 100% हरा सकते हो और यह आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा करने से आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी नहीं होगी।
मोटापे से संबंधित और भी जानकारी है जो कि मेरे दूसरे वीडियो पे अवेलेबल है, तो नीचे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। केवल डाइट नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज भी जरूरी है मोटापे के लिए। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी आपको इसे ट्राई करना है, क्योंकि इससे आप 100% मोटापे को हरा सकते हो। तो इसे प्लीज दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिले। नमस्ते।